गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्वेश्चन नंबर 7 to 12 के आंसर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, दिया गया टेबल किस एप्लीकेशन में बना है। तो ये आप सबको पता ही होगा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हम इसे शॉर्ट में एक्सेल भी बुला सकते हैं। ये एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या केवल एक्सेल भी बुलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर शॉर्ट में हम एक्सेल लिखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये जो आप एक्सेल देख रहे हैं इसमें पूछा गया है कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम एफ, कॉलम जी, कॉलम एच, कॉलम आई, कॉलम जे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 7 होगा, क्योंकि इसमें केवल काउंट पूछा गया था कितने कॉलम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सभी कॉलम्स के नाम लिखे, सिंपल है, ए बी एफ जी एच आई जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कुल कितने रो दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हमारा 42 बिल्कुल नीचे लास्ट रो है 42, तो हमें टोटल 42 रो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लेफ्ट में जो 1 2 3 4 5 लिखा होता है, ये रो का सीक्वेंस नंबर ही होता है कि कितने रो अब तक हम यूज कर चुके हैं। तो इसमें 42 रो यूज हुए हैं, तो एंड 42 दिखाई भी दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 42, क्योंकि हमें 42 रो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सभी हेडर्स के नाम लिखे, ये भी पहले बता ही चुका हूँ, जो हम अपने डेटा को, जो अपने कॉलम हैं उनके नेम को हम हेडर बुला रहे हैं। जैसे नीचे से ये सारे रोल नंबर हैं, ये नेम है, ये मार्क्स हैं और ये ग्रेड हैं। तो इसके सबसे ऊपर हमने इसका हेडिंग दिया है कि ये रोल नंबर का कॉलम है, ये स्टूडेंट नेम है, ये टोटल मार्क्स हैं और ये ग्रेड हैं। तो हम जो डेटा नीचे स्टूडेंट के डेटा हैं उनको ऊपर हमने हेडिंग दिया है, इसलिए इसे हेडर बुलाते हैं। तो हेडर का सिंपल ये आंसर हो जाएगा, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, टोटल एंड ग्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, टोटल ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया था अपने आप अपने केवल अपने नेम, रोल नंबर, ग्रेड, मार्क्स, सबके सेल एड्रेस बताने हैं। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था क्वेश्चन में वो निशा का था, जिस निशा का आंसर ये होगा, अगर निशा ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर इस तरह से आएगा, और अगर सोफिया करेंगी तो इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि सबके अपने अपने रोल नंबर हैं, अपने नाम हैं, अपने अपने खुद के मार्क्स हैं और ग्रेड भी सबके अपने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है सोफिया के लिए, सोफिया का रोल नंबर 25 है। तो 25 जो है, 25 कौन से कॉलम में है, 7 2 2 5 कॉलम ए में है एंड रो नंबर 26 में। तो इसका आंसर हो जाएगा A26। एंड नेक्स्ट नाम है, नाम सोफिया लिखा हुआ है, सोफिया कौन से कॉलम में, सोफिया बी कॉलम में और रोड नंबर 26 है, तो सोफिया जो है उसका एड्रेस B26 हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके मार्क्स, मार्क्स दो मार्क्स हैं, मार्क्स 2 है, तो 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, एफ़ कॉलम में है और रोड नंबर 26 में, तो F26। एंड इससे ग्रेड है C, तो C का एड्रेस हो जाएगा, C जो है G कॉलम में लिखा है, रोड नंबर सेम 26 है। तो इसी तरीके से सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ये एग्जांपल था सोफिया के लिए, और क्वेश्चन में भी एक एग्जांपल दिया हुआ था निशा के लिए। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करेंगे किसी दूसरे टेबल पे, किसी दूसरे डायग्राम